बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी भी और वो ट्रिक बता दूंगी कि जिसके जरिए आप इस सब्जेक्ट को पास कर सकेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार ये पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे सब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ये मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे सिबलिंग्स का, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी टीचर ने आज से पहले आपको ये ट्रिक नहीं बताई होगी। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप ये कर लेंगे तो हाफ आवर के बीच हम अपनी पेपर की तैयारी भी कर लेंगे और 70 to 80% इसी के बीच में से पेपर आपका आ भी जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। टोटल आपके इसमें 32 क्वेश्चन होंगे, 44 मार्क्स के MCQs 28 होंगे। कहाँ से आएंगे MCQs ये बता दूंगी आपको। टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का एक होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स का एक होगा। जो MCQs हैं, क्विज 1 आप कर लें, क्विज 2 कर लें, वहाँ से आपके आ जाते हैं काफ़ी हद तक। ये एक और जगह मैं आपको बताती हूँ, सेल्फ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वहाँ से आप कर लीजिएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी वीके कहाँ से आती है। और ये बात मैं आपको लाजमी कहूँगी कि क्वेश्चन के लिए ना, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वैसे तो 11 से लेके 22 तक के चैप्टर्स आपको करने चाहिए, लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज है तो तब आप 11, 12, 13, 14 ये चैप्टर कर लें। और मस्ट है आपके लिए कि आप 18 से 22 तक के लेक्चर्स लाजमी करें, वहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल जाएंगे और लॉन्ग एक क्वेश्चन तो लाजमी निकलेगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके। ये आज का पेपर हुए 18 जुलाई 2022 का। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट टू डिज़ाइन एंड इफेक्टिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्लान फॉर द एम्प्लॉयज। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट के 5 लेक्चर्स में से ही आया। Which guidelines would you suggest to interview to collect the job analysis information? ये भी वहीं से ही आया। जस्ट लास्ट के 5 चैप्टर्स में बार बार कह रही हूँ, लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका 80% पेपर्स वहीं से निकलेगा। ये बहुत बड़ी मैं बात कह रही हूँ, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे ना तो आप मुझे असल में दुआएं देंगे कि इसने हमारी मदद कर दी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द एप्लीकेशन ऑफ HR फंक्शंस वेरी फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। ये भी लास्ट के 5 चैप्टर्स में से आया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट द ऑक्यूपेशन फ्रॉम द कैरियर, गिव एग्जाम्पल टू ईच टू एलैबोरेट योर आंसर। ये आगे पीछे में से आया है, आई थिंक 13, 14 वहाँ से आया है। तो इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, 11, 12, 13, 14 और मस्ट है आपके लिए कि 18 से 22 तक के लेक्चर्स को देखें। अब जो बात इम्पोर्टेंट बात जो मैंने शेयर करनी थी, ये अपने LMS पे आ जाएं, MGT 501 यहाँ पे क्लिक करें। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है लेकिन अभी ये आ जाता है। मैं आपको जस्ट डेमो के लिए ना नीचे जा रही हूँ। आप कोई भी लेक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मैं लेक्चर नंबर 5 पे आती हूँ। ये देखिए, इंडिविजुअल वर्सेज ग्रुप बिहेवियर, इस पर मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, सिग्नल का इशू। आ जाओ आ जाओ, ये यहाँ पे रीडिंग पे क्लिक कर दें और ये लिखिए। यहाँ लास्ट में आएंगे, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए, क्वेश्चन टोटल 5 होंगे। ये कर लेंगे ना आपके 7 to 8, 10 भी आ सकते हैं। 10 MCQs यहीं से आ जाएंगे। बाकी आप क्विज 1, क्विज 2 की फाइल्स को देख लें, अगर तो टाइम हो तो 5 पेपर की फाइल को भी देख लीजिएगा। यहीं से आपकी 80% मार्क्स आ सकते हैं, जस्ट आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लें।
तो क्वेश्चन है, पर्सनल फाइल्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। एक मैं आपको करके बता देती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो इसमें पर्सनल फाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सोशल स्टेटस को नहीं देखा जाता, ये साथ में ही आप सबमिट कर दें। ये देखिए साथ में ही आपको आंसर बता देगा कि आपका आंसर सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आंसर इज करेक्ट। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ऐसे, यहीं से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये देखें क्वेश्चन टू स्टार्ट हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, डायरेक्टली इफेक्ट क्या करते हैं? आई थिंक एबिलिटी है। ये देखें साथ में आंसर आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, थर्ड आ जाएगा। ये देखिए ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ये आपके टीचर ने बनाए होते हैं, पेपर भी टीचर ने बनाया होता है, तो इसी में से ये आपके आ जाती है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस ड्यू टू विच द पीपल ज्वाइन द ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट सिक्योरिटी स्टेटस सेल्फ स्टीम, ये सारे तो आते हैं ना। अब उसने एक्सेप्ट का पूछा, यानी कि जो ना आता हो, तो आई थिंक इसमें लर्निंग आएगा। सबमिट आंसर पे क्लिक करें, ये वाला आंसर भी ठीक हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टास्क ओरिएंटेड रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें टू पार्ट्स थे इसके, इनिशिएटर कंप्यूटर और सेकंड जहन से निकल गया मेरे, तो इसमें आई थिंक यही आएगा। ये देखिए ये भी ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक सेल्स मार्केटिंग अकाउंटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम आवर टीम टू अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीम इज इट, सारे इसने टास्क की सॉरी ये डिपार्टमेंट्स की बात कर दी है, अकाउंटिंग मार्केटिंग रिसर्च सेल्स, तो आई थिंक इसमें क्रॉस डिपार्टमेंटल आएगा। सबमिट आंसर, चलिए ये भी ठीक हो गया। बस मैंने आपको यही दिखाना था, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, और कोई भी बात समझ में ना आए तो भी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।